दोस्तों मोदी जी पर भी मुसीबत पर मुसीबत टूट पड़ी है। एक तो उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, दूसरा अब तो 5 सीटों वाले 7 सीटों वाले सहयोगी भी आंख दिखा रहे हैं, हमको भी कैबिनेट तो नायडू और नीतीश की शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दे दिया है। दोस्तों संजय सिंह ने यूट्यूब चैनल डीबी लाइव को इंटरव्यू दिया है जो उन्होंने खुद शेयर किया है, और इसमें जो बात उन्होंने बोली है ना, अगर ये बात हो गई तो ये भी अपने आप में एक बिल्कुल अनोखी तस्वीर होगी जिसमें सरकार तो मोदी जी की होगी लेकिन स्पीकर होगा इंडिया का। दोस्तों संजय सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है इस बातचीत में। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्योंकि चाहते हैं, और इस बात को लेकर चंद्रबाबू नायडू लगातार बार्गेन कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर स्पीकर उनका हो, और मोदी जी जाहिर तौर पर अमित शाह जी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो पार्टियों में तोड़फोड़ है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी सांसद को तोड़ा गया, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो या नायडू की पार्टी हो, तो वो विशेषाधिकार उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष गठबंधन के सहयोगियों के पास होगा, नायडू के पास या नीतीश के पास, तो फिर ये तोड़फोड़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मोदी जी करने देंगे कि नहीं करने देंगे, इस पर एक कदम आगे बढ़ गए हैं संजय सिंह के कहते हुए कि अगर नायडू चाहते हैं कि उनका लोकसभा अध्यक्ष बने तो हम भी चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई लोकसभा अध्यक्ष ना बने, मतलब बीजेपी का कोई सांसद लोकसभा का अध्यक्ष ना बने। और अगर ऐसी कोई सूरत बनती है कि नायडू चाहते हैं कि उनका लोकसभा का अध्यक्ष बने, उनका उनकी तरफ से उनका नेता कोई लोकसभा का अध्यक्ष बने, तो इंडिया गठबंधन इस पर विचार कर सकता है। अब इंडिया गठबंधन के पास उतने आंकड़े हैं कि नहीं है, तो खैर दोस्तों बहुत बाद की बात है। लेकिन उससे बड़ा सवाल और उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने लगा दिया है, फिर कह दे कि गुगली फेंक दी है, जिसके बाद अब मोदी जी के बाद समझ में नहीं आएगी कि अगर ऐसा हो गया कि नायडू सरकार में बाहर से समर्थन दे दे और स्पीकर बनवा ले अपना इंडिया गठबंधन के समर्थन में, तो सोचिए 1% कैसी स्थिति होगी। सरकार मोदी जी की है लेकिन संसद में स्पीकर किसका है? विपक्ष के सहयोग से चंद्रबाबू नायडू का। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ऐसा हो इस तरह की कल्पना मोदी जी अपने रहते तो अपनी राजनीति में नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रेशर पॉलिटिक्स बताती है दोस्तों कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उससे विपक्ष कितना लबरेज है जोश में कि वो इतना बड़ा चैलेंज दे पा रहा है। आज से 1 महीने पहले 2 महीने पहले 6 महीने पहले जिस विपक्ष को मरा हुआ समझ लिया गया था, आज वो विपक्ष लगातार चैलेंज कर रहा है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है, लगातार मोदी जी को इस तरह से दबाव में ले लिया कि मोदी जी फटाफट शपथ ग्रहण कर रहे हैं, खटाखट मंत्रियों के पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर नायडू और नीतीश यहां नहीं माने तो वहां मान सकते हैं। सोचिए अभी सरकार बनी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर लगातार कश्मकश जारी है बीजेपी और नायडू के बीच, इस बीच इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा दाव चल दिया है। अब इस दाव को नायडू मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो प्रेशर बीजेपी पर बना है ना इस एक बयान से, आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत की राजनीति के लिए कितना अच्छा है। क्योंकि दोस्तों इसके जरिए विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है कि वो संसद के अंदर और संसद के बाहर अगले 5 साल अगर ये सरकार चल पाती है तो कैसे नाको चने चबवा देगा इस सरकार को। दोस्तों आपको संजय सिंह के इस बयान में कितना दम लगता है? क्या वाकई में ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो सकती है कि सरकार मोदी जी की हो और स्पीकर लोकसभा में विपक्ष का हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।